और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में रार मची हुई है। आरजेडी ने दोनों सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन यह घोषणा कांग्रेस को रास नहीं आई। अब वो सीधे सीधे आरजेडी से मुकाबले की बात कर रही है। उधर तेजस्वी ने प्रशिक्षण शिविर में भविष्य की रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। बयान यह है कि संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत कर लिया गया तो बिहार में अकेले की राजनीति होगी, यानी किसी भी सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह उपचुनाव आरजेडी अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है? महागठबंधन के दिन क्या पूरे हो गए हैं? भविष्य में अकेले की तैयारी में तेजस्वी, आरजेडी के दांव पर कांग्रेस ने दिखाया पंजा। तो एकला चलो की राह पर तेजस्वी चलने की प्लानिंग कर रहे हैं। उपचुनाव में लिए गए फैसले से यही लग रहा है। ये बात कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, वो भी लालटेन के खिलाफ पंजा दिखाने की तैयारी में है। हम समझते हैं जो महागठबंधन के हिसाब से ये फैसला उचित नहीं है, क्योंकि जब 2020 का चुनाव में हम वहाँ से लड़े थे और अच्छा मत भी लाए थे तो वो सीट मुझे मिलना चाहिए था। अब नहीं मिला तो हम समझते हैं ये अच्छी बात नहीं है। पहले किसने कहा कि हमारी बात सबसे नहीं हुई है? मदन मोहन झा बोल रहे हैं। मदन मोहन झा से 3 बार बात हुई है। अब सवाल है उनकी क्या इच्छा, किसकी क्या इच्छा, उस पर मैं नहीं कहा हूँ। याद रख लीजिए, बार बार आप लोग सहमत असहमत की बात कर रहे थे, मैंने कहा मैंने सबसे बात की है। कांग्रेस कह रही है कि लालटेन ने उन्हें अंधेरे में रखा, लेकिन आरजेडी दावा कर रहा है कि पंजे को रोशनी दिखाई भी और रास्ता बताया भी, और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। तो इसके मायने क्या है? क्या महागठबंधन के दिन पूरे हो गए या फिर अभी रिश्तों में गर्माहट बची हुई है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वैचारिक लड़ाई लड़ना है, संघर्ष लड़ना है, संघर्ष करना है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल पीछे हो रहा है। हर पार्टी चाहती है कि साहब तमाम बिहार में हम लोगों का संगठन जो है मजबूत हो, प्रांत में मजबूत हो। इसका यह मतलब नहीं है कि अलायंस की राजनीति से हम अलग हो गए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कल किसने देखा, तो हमारी तैयारी तो होनी ही चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी में जारी खींचतान पर विरोधियों की भी नजर है। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है तो जेडीयू लालू से लेकर तेजस्वी तक पर निशाना साध रही है। और ये दोनों सीट एनडीए ने जीती थी, और यहाँ तो अब यूपीए का सवाल ही नहीं है कि वो चुनाव में जीत पाए। इसलिए वो जान रहे हैं कि एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा तो चलो वर्कर को थोड़ा घुमा फिरा लिया जाए। इतिहास गवाह है कि माननीय लालू प्रसाद जी जब शासन काल में थे तो वाम पंथ की पार्टियों के विधायक सीपीआई हो, माले हो, जो आज जयकारा कर रहे हैं, इन लोग को राजनैतिक रूप से छत बिछत किया। वैसे जिस तरह से तेजस्वी ने प्रशिक्षण शिविर में एकला चलो की रणनीति के फायदे गिनाए, उससे तो यही लगता है कि आरजेडी इस उपचुनाव से ही एकला चलो की रणनीति अमल में लाना चाहती है। तो फिर महागठबंधन का स्वरूप का द एंड तय है। बड़ा सवाल है। आशुतोष।